नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BTC या DLED चौथे सेमेस्टर से, यहाँ पर जो अंग्रेजी का आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हम आपके टेंस के बारे में बात कर रहे थे। दो और प्रकार के आपके टेंस बचे हुए हैं, उसके बाद आपका जो टेंस वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। आपका अगर मैं बात करूँ इंग्लिश हिंदी आपका यहाँ पर अभी चल रहा है, सोशल स्टडीज़ मैंने शुरू किया था, तो जल्दी ही उसके नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। सिलेबस आपका ऑन टाइम कंप्लीट किया जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों और सहपाठियों के साथ में भी, जिससे कि उनकी भी हेल्प होते रहे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। दोस्तों अगर बात की जाए टेंस में आपका, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के बारे में आज हमें यहाँ पर बात करनी है। इसे आप पूर्ण भविष्य काल कहते हो, ये आपका तीसरा है। किसमें? जब आप फ्यूचर टेंस को लेकर के बात करते हो, चार पार्ट से उसके, उसमें ये आपका तीसरा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो है परिभाषित करते हो, और उसके बाद बाकी एग्जांपल्स को लेकर के देखेंगे हम। इसमें लिखा है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, चूँकि यहाँ पर पूर्ण भविष्यकाल लिखा हुआ है, मतलब कहने का ये है कि पूर्ण हो चुका है जो भी चीज़ है, जो भी काम है वो पूर्ण हो चुका है। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, The action is already completed, मतलब जो action होना था वो already complete हो चुका है। हिंदी में लिखा है यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या होंगी आदि शब्द आए तो उसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जब भी पहचान आप करोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ उदाहरण है आपके, मैं अपना काम कर चुकूंगा या चुका होऊंगा, ऐसे बोलते हो ना आप, जो आई हैव, आई इसमें क्या हो जाएगा, आई विल हैव डन। यहाँ पर देखिए आई हैव डन माई वर्क करके लिखा हुआ है, तो चूँकि विल हैव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगा हो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। सेकंड है इसमें, वह बाज़ार से नहीं आ चुकेगी, मतलब शी विल नॉट हैव कम फ्रॉम दी मार्केट। तो ये आपका जो है दो तो उदाहरण हो गए कि कैसे आप बताओगे जब आप बात करते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल्स इन किसमें? अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जिसको जिसे आप सकारात्मक वाक्य कहते हो। द सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। और जो तीसरा है वो आपका है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो है हम कैसे बात करेंगे इसको लेकर के, तो यहाँ पर हम इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य, मतलब एक नकारात्मक का जस्ट उल्टा जो है वो सकारात्मक होता है ना, सकारात्मक विचार रखें और सारी चीज़ें पॉजिटिव थिंकिंग रखें, बिल्कुल वैसा ही। इसके पहले भी चूँकि हम ऐसे आपकी जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होगा। यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक आपका कॉलम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस, सेकंड कॉलम इज़ फॉर नेगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड है आपका वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। रूल्स में अगर बात की जाए यहाँ पे, तो लिखा है शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? शैल हैव प्लस शैल हैव होगा या तो विल हैव होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में होगा। आगे आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, वो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, वो अपने आप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो आपका हो गया रूल, अब इसके उदाहरण से हम समझते हैं। इसको लिखा हुआ है कि वह 7 बजने से पहले कानपुर पहुंच चुकेगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने के बाद चुकेगा, और आप चूँकि आगे मैंने हिंदी में भी बता दिया था कि पहचान आप करोगे कैसे, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है आपको ये देखना होगा, पहचानना होगा कि यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका होगा, मतलब ऐसे करके कंप्लीट होने के सेंस में। और ये यही कह रहा है कि वह 7 बजने से पहले कानपुर पहुँच चुकेगा। तो ये है ओवरऑल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप ये पहचान सकते हो कि ये टेंस आएगा, ये वाक्य आएगा किस टेंस में। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा कि किस में आएगा। इसमें है कि ही विल हैव रीच्ड कानपुर बिफोर इट इज़ 7, ओके, SEVEN 7 हो जाएगा आपका। ये क्या होगा जब आप बात करते हो इस सेंटेंस की, आपके ट्रांसलेशन को लेकर के, मैं अपना गृह काम कर चुकूंगा, आई शैल हैव डन माई होमवर्क, या फिर वर्क जिसको आप बोलते हो, जिसके गृह कार्य है तो आप होमवर्क लिखोगे, अगर काम होता तो आप केवल वर्क लिख देते। इतनी बातें आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। कुछ रूल्स नीचे लिखे हुए हैं, इन रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। नोट करके लिखा हुआ है आई वी के साथ में आप शैल हैव का यूज़ करोगे, एंड फॉर द अदर सब्जेक्ट्स यू विल यूज़ विल हैव। अदर सब्जेक्ट्स में देखिए ही शी दे यू करके लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है,
ये है आपका, ये दूसरा आपका। तो यहाँ पर इससे आपको, और सबसे बड़ी चीज़ है ये, आपको पहचान में रखना है यहाँ से इन रूल्स को। दो दो रूल्स हैं आपका ऊपर, तो ये वाला हो गया, और जो आपका कहाँ से क्या लव चीज़ आप ऐड लगाओगे वो चीज़ वहाँ पर नीचे वाले जो रूल्स हैं उनसे पता चलेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, रूल लिखा है शैल हैव, विल हैव प्लस नॉट लिखा हुआ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है भाई। विल या शैल के जस्ट बाद ही जो है आप नॉट का प्रयोग करोगे। ऊपर चूंकि मैंने शैल हैव विल हैव लिख दिया है, उसके बाद नॉट लिखा है, और ये हर एक लेक्चर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, शैल हैव और उसके बीच में आपको नॉट लगाना है, ओके। तो देखते हैं कुछ उदाहरण, क्या है आपका, शैल हैव या विल हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें लिखा है वह नहीं सो चुकेंगे, क्या लिखा है, वह नहीं सो चुकेंगे, दे विल नॉट हैव स्लेप्ट, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा दे विल नॉट हैव स्लेप्ट। अगला क्या है इसमें, हरी के सोने से पहले हम खाना नहीं खा चुकेंगे। चूँकि आप नकारात्मक वाक्यों के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर नॉट है, नॉट को नॉट का यूज़ कहाँ पे करना है वो आपको विशेष ख्याल रखना है। तो इसमें लिखा है वी शैल नॉट हैव टेकन आवर फूड बिफोर हरी स्लीप्स, ओके, वी शैल नॉट हैव टेकन आवर फूड बिफोर हरी स्लीप्स। ये हो जाएगा जब आप दूसरे वाले सेंटेंस के ट्रांसलेशन को लेकर के बात करते हो, रूल वो जो नोट करके है आपका वो मैंने आपको बता दिया कि विल या शैल के जस्ट बाद आप जो है नॉट का प्रयोग करोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अभी आपका जो सिलेबस है वो आपका चौथे सेमेस्टर का भी, इधर यूपी टेट की आपकी परीक्षाएं भी जो है नज़दीक हैं आपकी, होप्स हो कि अक्टूबर नवंबर में आपकी जो है परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसकी रिगार्डिंग आप प्लस वाली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जो अन अकेडमी में प्लस वाली क्लासेस होती हैं वहाँ पर जो है काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं, वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप उसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए आपका कि जो लेक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपेयर करते चलिए, जिनका इंग्लिश है काफ़ी कुछ यहाँ से भाई उनका भी तैयार होता जाएगा, तो यहाँ से भी वो ज़रूर पढ़ते चलें। सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, सारी चीज़ें। और इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो BTC वाली बात होती है या जो BEd वाली बात है, इन दोनों लोगों का, या आप इन कोर्सेज़ को अगर लेकर के बात करते हो, तो यहीं से ही आपका पेपर पूरी तरीके से बनता है, UPTET को खास कर लेकर के बात की जाए तो, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा और तैयारी ज़ोरों पे रखिए। रही चौथे सेमेस्टर की बात सिलेबस को लेकर के, तो मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा। अभी मैथमेटिक्स वगैरह काफ़ी कुछ है जो है अभी मैंने शुरू नहीं किया है, ऐसे उसमें कुछ लेक्चर्स हैं या फिर नहीं हुए हैं, उनको लेकर के हम जल्दी ही बात करेंगे। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होगा चौथे सेमेस्टर का, बिल्कुल से परेशान मत होइएगा इसको लेकर के, ठीक है। चलिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें आपका, इसमें लिखा हुआ रूल्स में लिखा है विल हैव या फिर शैल हैव लगाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है इसमें प्लस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसको समझते हैं, रूल तो आपने देख लिया कि ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम देखे थे, एक आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप का होता है और एक आपका होता है जब आप WH टाइप के सेंटेंसेस को लेकर के बात करते हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और WH टाइप के। तो यहाँ पे क्या है, क्या राम ने नहाने के पूर्व नाम क्या राम के नहाने के पूर्व सूर्य निकल चुकेगा। अभी ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको जब आप, चूँकि देखिए यस नो दो चीज़ें थी, यस नो को लेकर के जब आप बात करते हो, और या फिर क्वेश्चन मार्क किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, तो इन्फॉर्मेशन वाले में WH टाइप का आता है, पहले भी मैं बताया हुआ हूँ, और यस नो वाले में जब आप हेल्पिंग वर्ब को लेकर के बात करते हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या, जैसे विल वगैरह हो गया इस पर, है ना, और शैल वगैरह को आप यूज़ कर रहे होते हो अलग से। तो ये क्या है, क्या राम नहाने के पूर्व, तो इसमें विल द सन हैव राइजन बिफोर रामाबाद, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है इसमें, सेकंड सेंटेंस है कि उसके सोने से पहले तुम कौन सा गाना गा चुकोगे। बहुत ही अजीब सा सेंटेंस है ना, कि उसके सोने से पहले तुम कौन सा गाना गा चुकोगे। तो ऐसे में विच, अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, ओके, इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि कौन सा गाना है जो तुम गा चुकोगे वो समय। तो ऐसे में आप क्या करोगे, विच सॉन्ग विल यू हैव संग बिफोर ही स्लीप्स। अच्छा, लास्ट में भाई क्वेश्चन मार्क ऐड करना बिल्कुल से मत भूलिएगा, अदरवाइज चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी, ठीक है। नोट में देख लीजिए जो लिखा हुआ है, विल शैल नामक हेल्पिंग वर्ब को जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू में लगाएं, आप उसी के हिसाब से लगाओगे अगर हेल्पिंग वर्ब टाइप का आपका सेंटेंस है तो। अदरवाइज WH वाले भी आते हैं, देखिए बीच में आए हुए प्रश्नवाचक चिन्हों में विल या शैल से पहले अंग्रेजी चिन्हों की अंग्रेजी जो है विल और शैल से पहले लगाएं। एक तो ये दो रूल्स हो गए, और जब इन्फॉर्मेशन की बात करते हो, जैसे ऊपर वाला जो था वो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था, तो वैन विच जब ये WH टाइप के सेंटेंसेज होते हैं
उनको आप पहले जो है वर्ड्स हैं उनको आप पहले रखोगे उस सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। आशा करते हैं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो भी परफेक्टली आपको समझ में आया होगा। एक और आपका टेंस इसमें बचा है, उसको हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जैसे कि उनकी भी हेल्प होती रहे। जल्द ही मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।